आज इनकी सर्जरी के लिए हम जा रहे हैं गाड़ी में फिलहाल। हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। आज आपको मैं एक लाइव हेयर ट्रांसप्लांट दिखाने वाला हूँ। मेरे रिलेटिव का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, तो उनकी ट्रांसप्लांट कैसे हुआ, कैसा ट्रांसप्लांट हुआ, किस टेक्निक से हुआ, कैसे ग्राफ्ट लगे, कैसे निकले, उनका डोनर कैसा था, और ट्रांसप्लांट के बाद डे बाई डे कैसा था उनका, उनकी डेंसिटी कैसे दिख रही थी। अगर आप सर्जरी कराने का सोच रहे हैं या जस्ट आपने अभी कराई है, तो आपको कुछ थोड़ा सीखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, एक एक सेकंड भी स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है डिटेल में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, अभी मेरे चैनल पर आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए एंड में बिल्कुल लाइक करना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी बोल्डनेस का शिकार है उनको आज सीखने को जरूर मिलेगा इस वीडियो के थ्रू, इसलिए शेयर जरूर करनी है। तो सबसे पहले देखिए, ये भाई 2 साल पहले कुछ ऐसे थे, 2 साल पहले इनके ये कंडीशन थी, आप देख सकते हैं अच्छे खासे बाल थे। 2 साल में ही इनके बाल पूरे चले गए। 2 साल पहले कितने बाल थे और अब देख सकते हैं, ये आपका फोटो है, एकदम से बाल चले गए 2 साल में। इनकी जो बोल्डनेस का ग्रेड है, आप 4 ग्रेड या 5 ग्रेड मान सकते हैं, वैसे 5 ग्रेड ही है, तो ये लगभग पूरा खाली हो गया है सिर्फ 2 साल के अंदर। तो इनकी एज भी ज़्यादा नहीं है, इनकी एज सिर्फ 23 है। जी हाँ, 23 एज है और 23 साल की उम्र में ये गंजे हो गए। तो आज इनका हेयर ट्रांसप्लांट है। सबसे पहले हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गए। ये अरहान भाई है, आज इनकी सर्जरी के लिए हम जा रहे हैं गाड़ी में फिलहाल। इनकी कंडीशन दिखाता हूँ आपको, ये कंडीशन है इनकी, ये इनका फ्रंट है और ये ऊपर तक टॉप। तो ये कंडीशन है, आपको पूरी रिजल्ट की इनकी जर्नी में दिखाऊंगा। फिर हम क्लिनिक पहुंच गए और इनका जो डोनर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, ठीक ठाक डोनर है इनका। तो इनका फिर सर्जरी का के लिए प्लानिंग करते हुए, देखते हुए कि कैसे ग्राफ्ट लगाने हैं, कैसे इम्प्लांटेशन करनी है, कौन सा एरिया छोड़ना है, क्योंकि इनके एग्जिस्टिंग हेयर काफ़ी ठीक ठाक है, तो इनको डैमेज ना हो, इस वजह से थोड़ी प्लानिंग करते हुए कि कैसे ग्राफ्ट लगाने हैं, किस जगह ग्राफ्ट ज़्यादा लगाने हैं। फिर इनका ब्लड लिया गया थोड़े टेस्ट के लिए। वैसे तो पहले ही टेस्ट करा लिए गए थे इनके ट्रांसप्लांट से पहले, कुछ 1 या 2 दिन पहले, लेकिन फिर भी क्लिनिक वालों ने कुछ बोला कि हमें थोड़ा सा और कुछ चेक करना है, तो उन्होंने ब्लड लिया और इनकी रिपोर्ट के लिए थोड़ा ब्लड ले लिया। फिर इनकी रिपोर्ट का हम वेट करते रहे। फिर इसके बाद इनका जो है ट्रिम किया गया, पूरा ट्रिम किया गया, ये स्कैल्प पूरा ट्रिम किया गया। ये कंडीशन थी इनकी ट्रिम होने के बाद। फिर इनकी सर्जरी स्टार्ट हो गई। सर्जरी स्टार्ट होगी तो ये इनको सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, ये इनको सुन करने के लिए। देखो, आपको यहाँ थोड़ा सा मैं नॉलेज देना चाहूँगा, ये जो सुन करने के लिए दिया जाता है, सिर्फ यहाँ पे पेन होता है, सिर्फ इस जगह पेन होता है जब आपको लोकल एनेस्थीसिया सुन करने के लिए दिया जाता है। फिर उसका सुन का जो असर है पूरे स्कैल में आपके हो जाता है, तो फिर आपको पेन नहीं होता। बहुत सारे दोस्त मेरे पूछते हैं कि डरते हैं कि यार इसमें बहुत पेन होता है, हम डरते हैं क्या सर्जरी करानी चाहिए या नहीं, तो आपको बताता हूँ, सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया देते हुए पेन होता है, उसके बाद स्कैल पूरा सुन हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके स्कैल में क्या हो रहा है। तो ये इनको एनेस्थीसिया दिया गया, फिर इनको स्लिटिंग बनाई गई, जो होल है वो बनाने शुरू हुए। फिर इनके ग्राफ निकाले गए 0.7 के पंच से, 0.7 पंच यूज हुआ। तो इम्प्लांटेशन के लिए इनकी जो टेक्निक यूज़ की गई वो इंस्टेंट FUE टेक्निक यूज़ की गई, जिसे DHI भी बोल सकते हैं। कुछ इंस्टेंट FUE बोलते हैं, कुछ स्टैंडर्ड FUE बोलते हैं, कुछ नॉर्मल FUE बोलते हैं, बट मुझे जहाँ तक लगता है ये FUE का एक लेटेस्ट फॉर्म में आया है, आप इसे DHI बोल सकते हैं, क्योंकि ग्राफ निकल रहे हैं, लग रहे हैं। इस तरह होता है, इसमें थोड़ा सा टीम वर्क ज़्यादा लगता है, इसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा बंदे चाहिए इसको सर्जरी करने के लिए।
फिर इनका ट्रांसप्लांट हुआ, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डेंसिटी से हुआ, ये डेंसिटी काफ़ी अच्छी दी गई। हेयर लाइन इनके पहली हेयर लाइन जो आई थी वहीं पे रखने की कोशिश की और वहीं ग्राफ्ट लगे, और कुछ इनके ग्राफ्ट क्राउन में भी लगे हैं, इनके ग्राफ्ट ज़्यादा नहीं निकल पाए, इस वजह से इनके फ्रंट में और जो मिड क्राउन में है थोड़ा अच्छे से किया गया, और जो मिड है उसमें थोड़ा कम डाला गया, क्योंकि वहाँ पर एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी थे, तो ये इनकी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के बाद इनकी कंडीशन कुछ ऐसी दिख रही थी, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डेंसिटी है, काफ़ी अच्छी हेयर लाइन बनी है। तो इस तरह इनकी सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। फिर सर्जरी के बाद शुरू होता है आपका फर्स्ट डे। फर्स्ट डे आपको जो है स्लाइन वाटर डॉक्टर देगा, आपको हर घंटे के बाद आपको स्प्रे करनी है। नेक्स्ट डे जैसे आपका आज सर्जरी हुई तो आपको कल से स्लाइन वाटर स्प्रे करना है आपको हर एक घंटे के बाद। तो इन्होंने स्लाइन वाटर है जो स्प्रे करते रहे, तो इनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी फर्स्ट डे ट्रांसप्लांट के बाद, जो अगला डे आता है वो, और इनका जो डोनर है बैंडेज खुलने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था। इनका ये फर्स्ट डे है। फिर इनका जो फोर्थ डे है वो ये है। फोर्थ डे आप देख सकते हैं इनके जो ये ग्राफ लगे थे वो सूख गए, थोड़ा स्कैप टाइप का जमने लगा। तो चार दिन के बाद ये है। तो आपको मैं इनकी जर्नी पूरी दिखाता रहूँगा कि कैसे कैसे इनका ट्रांसप्लांट आया। पहले मैं इनकी सर्जरी के 5 महीने के बाद इनका रिजल्ट डालूंगा, फिर 10 महीने के बाद इनका पूरा रिजल्ट डालूंगा, तो इस तरह आपको इनके रिजल्ट का आइडिया भी लग जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, इसलिए प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में केस स्टडी आपके लिए लाता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ट्रांसप्लांट के साथ साथ आपको थोड़ी नॉलेज भी देता रहूँ। आपको लाइव जो रिजल्ट दिखाता हूँ, केस स्टडी दिखाता हूँ, मैं हमेशा उसमें थोड़ी सी नॉलेज देना चाहता हूँ ट्रांसप्लांट की, जिससे आप ट्रांसप्लांट कराना जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाए। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपका भाई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहेगा। और आपके कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो उसी अकॉर्डिंग में अपनी वीडियो बनाऊंगा, आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। चलो फिर चलता हूं एक अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर, जल्दी आपके सामने हाजिर हूं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।